सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं, तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, एक दो साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी करूँ। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं, तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी, तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप एक साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ, जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई एग्री टू इट, इवेंचुअली मैंने एग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। वो ये राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में शादी के बाद भी, आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था, डू यू रिमेम्बर, मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था, क्यों, मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ। जब फाइनेंशियल में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी ने बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं, तो मैंने कहा ये है हिसाब और इसके हिसाब के ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीस क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, डैन्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वॉज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं, 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था, तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिसपे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में, मैं वहां पे जाके पैसे ट्रांसफर किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है, तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूंगा, इस वजह से एक दो प्रोजेक्ट मैंने सेम भी किए थे, देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, वो टॉप स्कूल क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं, देन आई केम राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे मार्केटिंग सब, आपको तो पता है ना हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे, उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे, ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट, ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है, अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी राखी को एक और भाभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शन की पार्टनरशिप डीड, बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दी है, सारे पेमेंट उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे, कि राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े ड्रेसिंग सेंस जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिजाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची प्रहडा लुई वितो मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक लाख की उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लामी में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़ी है, ना हिंदू को छोड़ी है, ना मुसलमान को छोड़ी है, वीडियो बना के डालती है मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी रिसेंट उसकी उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या, आप लोग नोटिस करो जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी, कपड़े कैसे थे राखी के, आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माय वाइफ,
समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ, इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक सेकंड भी ये चीज के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियां रखे, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर। चलो सर फाइनली ये जेल में लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बोलने बाकी है आदिल, लास्ट में एक और सवाल कि सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज एक डेढ़ साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा, वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहते हैं। सलमान भाई मेरे भाई, ठीक है भाई, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं। आप कुछ बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को? जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीजें, मैं डेफिनेटली एक दो बात कहूंगा, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ।